बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है भाई, खर्चा आ जाएगा अपने 20,000 रुपये का। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ख़राब हो गया भाई ड्रोन खरीदने का। कौन सा ऑडी Q3? तो ये वॉक्स वैगन इसकी तेरे मामा की हो तो देनी चाहिए। नहीं मेरी है। कट 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 कट। ये है प्रॉपर्टी गाइस। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम निकल चुके हैं वापस अपने ट्रिप के लिए। ट्रिप अपना है आज पुष्कर के लिए। हमेशा पुष्कर होता है पर आज कुछ अलग है क्योंकि आज हमारे साथ में ध्रुव है और कालू है। कालू को तो आप पिछले व्लॉग में देखा होगा, पिछली बार हम पुष्कर गए तब देखा होगा। और आज हमारे सबसे खास एनाकोंडा भी हमारे साथ है। हाय गाइस, इनकी रिंगटोन से और ऑलवेज पांडा तो हमारे साथ ही रहता है। पर आज हमने गाड़ी चेंज की, गाड़ी है अपने पास में ये कौन सी है, Volkswagen। आप इसका रिव्यू दे दीजिए। रिव्यू इसका अभी थोड़ा चलते हैं, उसके बाद में देंगे रिव्यू। तो अभी तो लगभग अपन 85 किलोमीटर चले, थोड़ा लंबा चलते हैं, उसके बाद में रिव्यू देंगे इसका। तो भाई पहला टोल आ चुका है अपना, आप देख सकते हो हमें 1 घंटा हो गया जाम में फंसे हुए। और अपना ध्रुव भाई कुछ कहना चाहेगा जाम के लिए। ध्रुव ये रोज का है, अजमेर रोड, ये जयपुर से पुष्कर जो रोड है अजमेर रोड है, यहाँ का रोज का है। इतना तो कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं या फिर कुछ होता रहता है। ये देखो जाम जो लगा है एक्सीडेंट के चक्कर में लगा है, देख सकते हो। आपको दिखाऊंगा मैं अभी, टैंकर है, टैंकर है गाइस। ये एक्सीडेंट हो गया और इस चक्कर में जाम लग रखा है। अरे पुलिस वगैरह सब आ चुकी है, एम्बुलेंस वगैरह भी मिली थी हमें। तो इस हिसाब से तो पेट्रोल का है या नहीं? नहीं पेट्रोल नहीं है, तो केमिकल या फिर कोई सीमेंट वाली चीज होती है ना उसका है भाई। एक्सीडेंट बहुत गंदा हुआ है भाई, गाड़ी है देखो, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है भाई। बहुत टैंकर के नीचे गाड़ी आ चुकी है और इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ है भाई। गाड़ी स्विफ्ट थी, स्विफ्ट थी क्या? हाँ स्विफ्ट थी, स्विफ्ट की वैसे कोई बिल्ड क्वालिटी है नहीं, तो टैंकर ऐसे गिरा हुआ है और नीचे जो है स्विफ्ट दब रखी है उसने। तो अंदर वाले ऑन द स्पॉट ही हो गए। और स्विफ्ट की वैसे भी सेफ्टी 1% आती है। नहीं ये तो बहुत खराब एक्सीडेंट हो गया है भाई, बहुत खराब। और फिर जैसे ही राम चलते हैं आगे। हाँ जी बिल्कुल, एक पर्सनल हमारा ओपिनियन बताएंगे हम, ऐसे नहीं कह रहे कि ये चीज़ खराब है या अच्छी है कुछ है। लेकिन जो ये Volkswagen की पोलो है ना, ये ट्रेवलिंग के लिए तो नहीं है। हाँ एक कोई 20-21 साल का लौंडा है वो जरूर रख सकता है, बाकी एज ए ट्रिप के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। 21-22 साल का भी मतलब सिटी के अंदर अगर अगर उसको चलानी है और तभी रख शाम घूमना है तब देखो मैं कैसे बैठूँ। बाकी वैसे कोई काम की गाड़ी नहीं है। एवरेज कितने का दे रही है? एवरेज सिटी में तो 8-10 का है इसका। वो कभी त्योहार को मिल जाती है इसको चलाने के लिए। मेरे घर, मेरे घर पे, मेरे घर, तेरे घर पे गड़ी है क्या? घर पे, इनके घर पे क्या शेड लगा हुआ है तो इसलिए गड़ी है। बाकी कभी मम्मी को कपड़े लेने जाना होता है तो इसका नंबर आ जाता है चलाने के लिए। बाकी नहीं आता, बाकी तो मामा की ओडी है वो। क्यों कौन से मतलब साफ करने के लिए मामा जी इसको दे देते हैं। हां हां चोटिया इसको कभी कभी मामा जी साफ करने के लिए भी दे देते हैं। हां कभी बच्चों को। देखो अब आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, आज कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप बोल बोल कि जिनके घर में रिलेशन चाहे वो मामा हो चाहे दूर के, अगर किसी से अच्छा है तो वो एक तरह से आपके पिता समान ही, मतलब अपन ऐसे नहीं करेंगे वो दूसरी गाड़ी क्योंकि वो अपने को बेटा मानते हैं तो अपनी गाड़ी है एक तरह से। अब वो लोग करते हैं कि ये तो तेरे उसकी गाड़ी है, ये तो तेरे उसकी गाड़ी चल, है। चल कोई नहीं, तेरे मामा की है, तेरी है, दोनों। हाँ भाई हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ऐसा कुछ सिस्टम है अभी, लेकिन बात क्या थी, बात ये है कि Volkswagen है ना, Volkswagen जो है बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। आगे में भी नहीं है, पीछे भी कम्फर्ट नहीं है और चलाने में भी कम्फर्ट नहीं है। मैं भी सुनता था पहले भी गाड़ी बहुत बढ़िया है ऐसे वैसे, बाकी गाड़ी में दम वाली बात नहीं है। ठीक है चलने को चल रही है, बाकी का दम वाली बात नहीं है। आगे आगे लेग स्पेस ठीक है, पीछे का लेग स्पेस दिखाई एक बार आप एक सेकंड ये देखो
माय लेग्स ये लेग्स कुछ और भी देख लिया माय लेग्स सफर कैसा है ये सफर। तो गाइस एनाकोंडा को खानी थी मैकडी, ठीक है, तो अपन ने ले ली गाड़ी मैकडी पे। मैकडी आने वाला है यहाँ से, ये आपको दिख गया होगा इस मैकडी का लोगो। एनाकोंडा खाने को देव रे, मैकडी में क्या खाओगे? मेरा फेवरेट मील कौन सा? खाने को देव रे। आई सेड दैट व्हाट इज योर फेवरेट मील? आई एम नॉट सेइंग बर्गर। मैकडी में तो बर्गर ही मिलता है। हम आ चुके हैं मैकडी और ये मुझे एनाकोंडा बोल रहा है, खुद डाइटिंग पे इतना खाता है पूरे दिन 4 से 5 बार तो ये फ्रूट्स खाता है, खाना अलग से, सैलेड अलग से, पूरे दिन खाता है और हमें एनाकोंडा बोल रहा है। ये तेरा भाई है क्या? नहीं, ये मेरा भाई नहीं है। फिर कौन है? ये मेरा दोस्त है। दोस्त है, दोस्त के साथ जा तेरी फोटो खींचता हूँ उसके साथ। बहुत खुश हुआ है ये। इसकी ये क्या बीच में क्या रखा है? ये इसकी पानी निकलने वाला। अच्छा, बर्गर वगैरह ले लिया है और हम तो बाहर खा रहे हैं, वो साले नवाब है तो अंदर बैठ के खा रहे हैं एसी के अंदर। ये भाई गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल, पीछे मतलब आदमी बैठ ही नहीं सकता, तो आगे ध्रुव और राम बैठ गए, हम लोग बाहर आ गए। कैसा है भाई, सही है सब? हाँ सर। ये लोग भी वापस आ गए बाहर, क्योंकि इन लोगों का जो सामान थे हम लेके आ गए थे बाहर पहले ही, तो इनको मतलब ये ऐसे नहीं कि भाई तो यारी दोस्ती में बाहर आए। बोलो भाई मजमेर पहुंचने वाले लगभग यहाँ से रहा है 40 किलोमीटर, तो इस बारे में मतलब एक भी गाड़ी के बारे में कुछ बताएगा अभी ध्रुव क्या बता रहा है? सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस करता है वो आपको सही बताएगा। तो अभी जैसे मैं पीछे बैठा हूँ तो ना मेरे पास लेग स्पेस है ना कुछ है। वॉक्सवैगन की कौन सी गाड़ी है ये? पोलो है ना? पोलो, वॉक्सवैगन की पोलो। बस ही ले लो यार, बस ही ले लो। वॉक्सवैगन की पोलो गाड़ी है, बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, बिल्कुल पैर अटते हैं पूरे, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पर। चल ठीक है, कालू तेरा क्या सिस्टम है? तू ही बता, तू मैं देखो देख रहा हूँ मैं, लगभग तू जयपुर से निकले तब से तू चुपचाप बैठा है। तो मस्त बैठा हूँ। कहाँ बैठा है, कहाँ कंफर्ट है क्या तेरा पूरा? अरे यार तू पूरा कंफर्ट में बैठा है। तो आज तेरा क्या प्लान है? तो गाइस ये मैकडी वाले हमें बना रहे पागल। देखो इतनी बर्फ डाली है सड़ों ने इसमें, इतनी पूरी तो बर्फ से भरी हुई है। मैंने तो पी के अभी देखा मैंने भाई, ये इतनी बर्फ तेरे में तो थोड़ी आई थी। मेरे में तो इतनी आई थी भाई, इतनी है। और अपने अपने तो पूरी बर्फ ही थी। कल हमें बोल के गया था मैं ड्रोन निकाल रहा हूँ, वो अपना ड्रोन निकाल के खड़ा हो गया वहाँ। लड़का ये अश्लील है ये लोना। कानू रोग कितने बर्फ खा रहे हैं कब से, जैसे बारात में आए हुए हैं? खाने के लिए बर्फ बढ़िया रहती है क्योंकि मेरी वाले कोल्ड ड्रिंक तो पिला नहीं रहे, तो बर्फ ही बचेंगे अपने। बात तो सही है, दौड़ा। हाँ बढ़िया बात है। पता नहीं क्या होगा, क्या क्या पीटी आ गई। इसने बेचारे ने कभी ड्रोन देखा नहीं है, पहली बार देख रहा है। गाइस तो देखना आप हमारे सेठ जी और ध्रुव भैया को डाल रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर वाले का रिएक्शन, ये ट्रक वाले, ये ध्रुव भैया। ये गाइस हाईवे है, ये कालू, ए कालू इधर देख, ये हमारा धोबी है गाइस। देखिए ये इन्होंने इसका एक बार फेंक दिया है। गाइस देखते हैं सेठ जी क्या क्या सामान लेके आए। ओह माय गॉड, आप तो काफी स्टॉक करके लाए लग रहे हैं। ये तो अपना रहा एफएम, हां ये अपना डिस्ट्रिक, ये अपना गिम्बल, ये अपना टूथब्रश, इसमें मेरे कपड़े, बाकी चीजें आपको दिखाऊंगा मैं। और छोटी के लिए अपन, हां राम साइज को दिखाइए। हां देखिए गाइस, और गाड़ी का देखिए, ये अपने सेठ जी। अभी तो रख देता हूँ, बाद में फेंक दूंगा। ठीक है भाई, अब मनु आप आगे जाके बैठ सकते हैं। पीछे का कंफर्ट जोन अच्छा नहीं है गाइस, अच्छा नहीं है। इसमें एक चीज अच्छी दिखाऊंगा, एक चीज। हाँ दिखाइए। अच्छा ओके, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा। पहली बार जो ड्रोन देखता है ऐसे देखता है, देखो इसको। इसने कभी ड्रोन देखा नहीं है,
ये देखो कैसे देख रहा है इसको, बच्चों की तरह, मासूमों की तरह। ये क्या चीज लिया है भैया, क्या चीज आ गई ये? और तो पहली बार टिश्यू देखते हैं, उनको दिखा दो। ये देखो टिश्यू। तो भाई ऐसा कुछ है, ये पकड़ना सुमित एक बार। लो भाई मैं तो चलाऊंगा गाड़ी, आराम से उड़ाएंगे ड्रोन। हाँ देखिए और मैं अपनी बर्फ खाता हूँ छोटी छोटी। छत पे रख, चिल्ला रहा है जैसे गांव में आया जैसे चिल्ला रहा है। बड़े ही चीप पीपल है। ओए छत पे रख, छत पे। इसको दिखा यार, क्या हुआ तू? बच्चे क्या हुआ तेरे? क्या बोलू, क्या हुआ भैया? सर जल्दी उठा, हवा आ रही है, पंगड़ा एक जगह एक रुपया। देखिए उठा था, मैं तो नहीं उठाऊंगा। मैंने तो ऑन ही नहीं किया अभी तक इसको। ऑन कर लो, ये अपना DJI Mini 3 Pro ऑन हो चुका है गाइस। ऊपर वायर थोड़ी है, वायर थोड़ी ऊपर नहीं, नहीं इसको पकड़ना चालू। ले भाई रिमोट, अपन तो खाते हैं बर्फ बढ़िया। हाँ और अपन चलाएंगे पोलो, देखते हैं कैसी क्या सब्जी, इसका भी आपको रिव्यू दूंगा मैं। और ध्रुव हो रहा बहुत चिंता में है, देखो इसको ये बहुत चिंता में है, क्योंकि ये घर पे बता के नहीं आया कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। इसकी भुट्टी बड़ी है, घर वालों को पता नहीं, घर वाले क्या करेंगे। बहुत बढ़िया ध्रुव, देखिए हाजी राम साहब। तो गाइस अपने ड्रोन में एक प्रॉब्लम आ गई, गिम्बल स्टक हो चुका है। अभी हमने देहरादून ऑफिस में बात की, वहाँ वो बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर कुछ कैलिब्रेट